हीमोफीलिया सोसाइटी की मासिक बैठक सीतापुर हॉस्पिटल परिसर में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में हीमोफीलिया सोसाइटी के उपाध्यक्ष चंदन कुमार वर्मा ने बताया कि हीमोफीलिया सोसाइटी को फेडरेशन ऑफ इंडिया से स्वीकृति मिल गई है और अब सोसाइटी में फैक्टर्स आने लगा है। उन्होंने कहा फैक्टर्स का व्यवस्था बुद्धा हॉस्पिटल में किया गया है और सोसाइटी द्वारा बुद्धा हॉस्पिटल में एसटीसी खोला गया है। एसटीसी में हीमोफीलिया मरीजों को फैक्टर्स लगाया जाएगा। उन्होंने कहा इससे पहले फैक्टर्स बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध था, अब बुद्धा हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होगा। इससे मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में फैक्टर्स ख़त्म हो जाता था, अब काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा अब फिजियोथेरेपी भी फैक्टर्स मरीजों को बुद्धा हॉस्पिटल में उपलब्ध होगा। इस अवसर पर पीजीआई के डॉक्टर हरिशंकर शुक्ला, बुद्धा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एससी कौशिक सहित हीमोफीलिया के मरीज उपलब्ध रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हीमोफीलिया सोसाइटी के उपाध्यक्ष चंदन कुमार वर्मा ने कहा जिम्मेदारियां भी आ गई।
चंदन कुमार वर्मा हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर के उपाध्यक्ष। हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर की आज मासिक बैठक संपन्न हुई है। इस बार हमें हीमोफीलिया सोसाइटी फेडरेशन ऑफ इंडिया से स्वीकृति मिली हुई है, अप्रूवल मिल गया है। अब हमारे सोसाइटी में फैक्टर्स भी आने लगे हैं HFI की वजह से। HFI वालों ने हम लोग का बहुत सहयोग किया है, वो हम लोगों को फैक्टर मरीजों को जो लगता है फैक्टर वो हमें मिला है। इसका व्यवस्था हम लोग बुद्धा हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर गोरखपुर में किया है, जिसके कार्यकर्ता डॉक्टर सचिव SC कौशिक जी हैं। डॉक्टर SC कौशिक जी के ही हॉस्पिटल बुद्धा हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में नया STC खोला गया है हीमोफीलिया सोसाइटी द्वारा, ठीक है। और इस बार मरीजों को किस तरह से सुई लगाया जाएगा इसके लिए PGI से श्री हरि शंकर शुक्ला जी आए हैं, और हमारी इस मीटिंग में डॉक्टर SC कौशिक जी और हरीश शुक्ला जी मरीजों को अवगत करा रहे हैं किस तरह से फैक्टर सोसाइटी द्वारा लगाया जाए मरीजों को। हालांकि यहाँ पे फैक्टर BRDM भी उपस्थित है, BRDM भी मिलता है फैक्टर, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन में आ गया है कि अब बुद्धा हॉस्पिटल में भी फैक्टर मरीजों को मिलेगा। कितना लाभ होगा इससे? बहुत लाभ होगा। पहले ये होता था कि गोरखपुर में अगर BRDM में फैक्टर नहीं है तो मरीज दौड़ कर लखनऊ जाते थे, बनारस जाते थे, अब उन्हें गोरखपुर में ही फैक्टर दो जगह हो गया है। अगर BRDM ख़त्म होता है तो STC पे आके बुद्धा हॉस्पिटल में आके लगवा सकते हैं, बुद्धा हॉस्पिटल में नहीं है तो BRDM जाके लगवा सकते हैं। मरीजों का राह आसान हो गया। अब हम इन मरीजों के लिए थेरेपी भी करवाने वाले हैं। फैक्टर जब मरीजों को लगेगा तो थेरेपी भी किया जा सकता है। बुद्धा हॉस्पिटल में ही हम लोग थेरेपी का भी व्यवस्था किया गया है, जो डॉक्टर SC कौशिक जी करेंगे। इस कार्य को करने में हमारे साथ पूरा सहयोग बुद्धा हॉस्पिटल के डॉक्टर SC कौशिक जी ने किया है, अंजू वर्मा, चंदन कुमार वर्मा और हम सभी मेंबरों के सहयोग से इस काम को हम लोग आज कर रहे हैं।